नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की, स्वागत है आपका हमारे पे आई शेफ लक्की पे। तो इंस्टाग्राम पे हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, कॉर्न या मशरूम। तो अधिकतर लोगों ने बोला था कॉर्न। तो चलिए आज कॉर्न की दो बहुत इजी रेसिपीज बनाते हैं, बहुत झटपट बनने वाला। एक है कॉर्न चाट और एक है कॉर्न पनीर टिक्की। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उबालेंगे कॉर्न। उसके लिए हमें पानी चढ़ाना है और उसे पहले बॉयल आने देना है। तो कॉर्न उबालने के लिए हमने पानी चढ़ा दिया है, मगर कॉर्न उबालने में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है उसकी सीजनिंग का ध्यान देना रहता है। हमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखनी ताकि कॉर्न अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सके और फिर कॉर्न प्रॉपर फूल सके, इतना टाइम हमें उसको बॉयल करने में देना है। बॉयल आने वाला है, सॉल्ट ऐड करते हैं और कॉर्न उबालते हैं। आइए, हाफ के जी हम कॉर्न बॉयल कर रहे हैं और हम ये चम्मच बड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। कॉर्न यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं। आज हम दो आइटम बनाने जा रहे हैं, उसमें से एक है कॉर्न चाट। तो कॉर्न चाट के लिए हम वेजिटेबल की तैयारी करते हैं। कॉर्न चाट भी इंडियन स्टाइल में बनेंगे, अपन थोड़े चाइनीज मसाले के साथ बनाएंगे, शेजवान सॉस, टमाटो केचप वगैरह डाल के। तो बेसिक उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। मेरे पास यहाँ पे क्यूकुम्बर है, कैप्सिकम है, अनियन है, टमाटो है और स्प्रिंग अनियन है। इसको हम सभी को चॉप कर लेते हैं। कॉर्न है ये बॉयल हो चुके हैं और हमने पांच वेजिटेबल्स की कटिंग निकाली, जिसमें हमने क्यूकुम्बर, टमाटो, अनियन, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम लिया था और ग्रीन चिली लिया था। हो गया क्या? तो बस ये सारे हो गए हैं। तो हम अब कॉर्न छानते हैं, कॉर्न चाट और कॉर्न टिक्की, इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं। चलिए अब हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए हम सबसे इंग्रेडिएंट को जो टिक्की में जाएंगे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कॉर्न, थोड़ा सा गार्लिक और ब्लैक पेपर, और इसको हम पहले ग्राइंड कर देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं क्या। हमने कॉर्न को ग्राइंड कर लिया था गार्लिक और ब्लैक पेपर के साथ। अब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रेटेड कॉटेज चीज, ये हमने ऐड कर दिया। कॉटेज चीज हमारा पनीर, और अब करते हैं इसकी सीजनिंग। इसमें हमने ऐड किया चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो एंड क्वांटी मसाला जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, और अब हम इसमें ऐड करते हैं कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, सो दैट इसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इन सभी इंग्रेडिएंट को हम करते हैं मिक्स और इसको हम फ्रिज में चिल करते हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे जो हमने कॉर्न को फ्रीजर में रखा था थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए, वो आ गया है। अब ये पूरी तरह से जो मटेरियल इसका वो जम गया है। अब हम इसकी बॉल बनाते हैं प्यारे प्यारे कोफ्ते, और उसको हमें करेंगे शैलो फ्राई। एक बराबर एक साइज का हमें लेना है। तो जब तक हमारी टिक्की है वो फ्रिज में है, तब तक हम कॉर्न चाट को कंप्लीट करते हैं। हमने कॉर्न बॉयल कर लिया था, बहुत इजीली मिलने वाला इंग्रेडिएंट घर पे। कॉर्न लेते हैं, साथ में हम इसमें डालते हैं वो वेजिटेबल्स जो हमने चॉप किए थे, जिसमें हमारा क्यूकम्बर, टमाटो, स्प्रिंग अनियन सब था, हमने ऐड किया। ऐड करते हैं शेजवान चटनी जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा चाइनीज स्टाइल बनाएंगे, और थोड़ा सा टमाटो केचप। इसके बाद हम इसमें करते हैं सीजनिंग, ब्लैक पेपर, आप चाहे तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट एंड लेमन जूस, और इसे करते हैं मिक्स। ये हम अपने कॉर्न चाट को सर्व करते हैं। हमारी टिक्की भी आ गई है, और एक बहुत खास हमारे कस्टमर है वो यहाँ पे आए हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, जितिन नायर, इनके इंस्टाग्राम पे पेज है द फूड इंदौरी, और यूट्यूब पे भी ये बहुत एक्टिव है द फूड इंदौरी के नाम से, तो इनको भी आप सब्सक्राइब करिए। ये आ गए हैं, तो इन्हीं से हम करवाते हैं फ्राई। अपना मेहनत क्यों करें, कुछ इनसे भी करवाते हैं। चलिए, तो जितेंद्र जी, आपने कभी घर पे ही आजमाया खाना वाना बनाया कि नहीं बनाया? मैं पहले बनाना था, बट फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत लेजी फील होता था, बट कभी कभार आज ही बना लेता हूँ, बट इतना यूज़ नहीं। तो चलिए आज ये भी बताते हैं कि खाना बनाना बहुत ईजी होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। तो जो नहीं बनाते उससे बनवा रहे हैं। यहाँ हमने अपने पैन को प्रीहीट कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल लिया, शैलो फ्राई करेंगे। जैसे चलिए उठाइए और फ्राई करिए जल्दी जल्दी।
बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गए हैं। जैसे सर इसको निकाल के यहाँ पे स्प्लिट लगाइए। हाँ जल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं चलता है। अगर ये जले नहीं तब तक थोड़ा सा तो ये आएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाती हैं। और इसको हम प्रेजेंटेशन तैयार कर देते हैं। तो देखिए ये हमने हमने कॉर्न को टिक्की तो बना ली है। अब हम इसमें रखते थोड़ा सा सैलेड और साथ में दे देते हैं हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी। और ये हमारी जो प्यारी सी कॉर्न टिक्की है ये तैयार हो गई। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और बहुत सारा प्याज। चलिए आइए आपको टेस्ट कराते हैं। तैयार है और कॉर्न पनीर टिक्की भी तैयार है। जितनी जी से पूछते कहते हैं हर बार, मैं तो बताती हूँ बहुत अच्छा बना, अपना खाना तो सबको अच्छा लगता है। कैसे पूछते हैं क्या बनता, मजा ना है सर, बताइए कैसा लगा, कैसा बना। हाँ, इसकी भी रेसिपी आपको देंगे थोड़े दिनों बाद। अलग अलग बहुत सारी रेसिपी है, धीरे धीरे कवर करें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फ्लेवर है, बट वंडरफुल। चलिए तो इसी के साथ सब्सक्राइब करिएगा दोनों पेज, आई शेफ लक्की को भी करिए, द फूडी इंदौरी को भी करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, इजी रेसिपी के साथ। गुड बाय।